वेलकम और वेलकम बैक। आज रसोई रिदम के स्पेशल मेन्यू बनने वाला है चार इंग्रेडिएंट्स के साथ स्पॉन्जी रसगुल्ला। और ये रसगुल्ला नॉर्मल रसगुल्ला नहीं है, ये खाए ठंड में खाया जाने वाला स्पेशल गुड़ का रसगुल्ला है। तो चलो बनाते हैं इसको। सबसे पहले लेंगे हम कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे दूध। यहाँ पर मैंने दूध एक लीटर करीबन लिया है, एक लीटर लिया है और उसको एक बॉयल आने के लिए छोड़ दिया है। जब दूध बॉयल हो जाए उसमें हम डाल देंगे सिरका यानी कि विनेगर, या फिर आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। जब दूध कर्डल होना स्टार्ट हो जाए यानी कि फटना स्टार्ट हो जाए, हम गैस बंद कर देंगे और कर लेंगे इसको स्ट्रेन। यहाँ पे हमने मसलिन क्लॉथ लिया है, अच्छे से इसको स्ट्रेन कर लेंगे और फिर इसको ठंडे पानी से वॉश कर देंगे। वॉश इसलिए करेंगे ताकि इसमें जो भी खटास है वो निकल जाए, और फिर इसको निचोड़ के अलग कर लेंगे। अब बारी आती है इसको नीड करने की, तो हम इसको आराम से मसलना स्टार्ट करेंगे हल्के हाथों से, ज़्यादा तेज़ नहीं मसलना है। और तब तक मसलना है जब तक ये हल्का हल्का घी या तेल छोड़ने नहीं लग जाए। एकदम सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का जब ये बन जाए, जब ये एक साथ कंबाइंड होना स्टार्ट हो जाए, तब हम इसका छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे एकदम स्मूथ से। यहाँ पर मैंने इनको छोटा टेक्सचर दिया है क्योंकि मुझे पर्सनली मिनिएचर चीज़ें ज़्यादा पसंद है। आप इनका कैसा भी साइज दे सकते हैं। बन के तैयार हो चुके हमारे बॉल्स, अब हम तैयार कर लेते हैं इसकी चाशनी। उसके लिए मैंने लिया है पानी, एक लीटर पानी, और उसमें डाला है गुड़। गुड़ को हम अच्छे से डिजॉल्व कर लेंगे यानी कि जब तक ये पूरा डाइल्यूट नहीं हो जाए पानी में, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। जब ये पूरा डाइल्यूट हो जाए उसमें हम डाल देंगे इलायची। इलायची से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जब बॉईल आ जाए पानी में तब हम डाल देंगे इसमें सारे के सारे बॉल्स। इसको हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद इसमें बॉयल आ चुका है अच्छा वाला और ये फूल चुके हैं। उसके बाद हम इसको लो फ्लेम पे और 5 मिनट के लिए रख देंगे। फिर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे ठंडे पानी में। आप यहाँ पे आइस वाटर भी ले सकते हैं, बट क्योंकि ठंड का मौसम था तो ठंडा पानी इज़ सफिशियंट। उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि ये स्पॉन्जी रहे और इसका टेक्सचर मेंटेन रहे। उसके बाद फिर से हम जब चाशनी ठंडी हो जाए उसमें वापस इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और रेडी है हमारे गुड़ के रसगुल्लास। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट टेक्सचर है। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।